Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. मेरे पाकिस्तानियों, आप टीवी के ऊपर तो देख रहे होंगे ये जो बाहर मुनाजिर हैं, टेयर गैसिंग, वाटर कैनन इस्तेमाल हो रही है। कई सीन्स आपको ऐसे लगेंगे जैसे मकबूजा कश्मीर में है, ये पाकिस्तान नहीं है। तो ये हुआ क्या सब कुछ, पहले मैं ज़रा आपको बैकग्राउंड दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके, और हमने आइन के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करी, जो आइन कहता है कि 90 दिन के बीच में हमारी जो दो गवर्नमेंट्स थी, पख्तूनख्वा और पंजाब, यहाँ इलेक्शंस होने थे। वो सदर को ऑर्डर करते हैं कि आप डेट अनाउंस करें, सदर 30 अप्रैल डेट अनाउंस कर देते हैं। 30 अप्रैल को 50 दिन के करीब रह गए हैं, हम आज अपनी इलेक्शन की रैली अनाउंस करते हैं। इलेक्शन रैली अनाउंस करने से पहले कल शाम को पुलिस के साथ बैठते हैं हम, पुलिस बकायदा रूट देती है कि ये रूट के ऊपर आपने रैली करनी है, रूट अप्रूव हो जाती है पुलिस के साथ। आज जब रैली करने के लिए लोग आ रहे हैं, एकदम पुलिस आ जाती है कि जिस तरह पता नहीं कोई दहशतगर्द निकलने लगे हैं, जगह जगह नाके लग जाते हैं। जब हमारी रैली जाती है उनको पकड़ के, लोगों को, उनके ऊपर हमला हो जाता है, उनको यानी उनके ऊपर वो जब मैंने मकबूजा कश्मीर का कहा, वाटर कैनन्स इस्तेमाल किए गए और वाटर कैनल्स के उनके अंदर वो मटेरियल डाला है जिसमें केमिकल था। अभी तक लोगों के ऊपर जो वो पानी गिरा है, वो वाटर कैनन का पानी जो गिरा है, अभी तक लोगों को उसका असर है। फिर टेयर गैस शेलिंग होती है, वो हमारे पास है, एक्सपायर्ड टेयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर डंडे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या करने वो आ रहे हैं, इलेक्शन की रैली जो कि अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन 50 दिन रह गए हैं, वो इलेक्शन के लॉन्च के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और वो कौन कर रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल आइन के अंदर क्या है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, उसका काम ये नहीं है जो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो अपने कारकुनों को आज कहना चाहता हूं कि जो आज निकले हुए हैं और जो अभी शेलिंग हो रही है, कि आप सब इस सब चीज को रोके, और बस हमने जो रैली करनी थी वो अब हम नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे अफसोस यह है कि ये जो करना चाहते हैं, ये सारा जो एक्शन ले रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि किसी तरह ये इलेक्शन से निकलें। सारी कोशिश ये है कि कोई इंतजार फैले, और इसलिए मैं अपने वर्कर्स को कह रहा हूं कि हमने अब रैली नहीं करनी, खत्म कर दें। आज हम खत्म कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये इनका जो मकसद है, ये सारा ये जो तशद्दुद और लोगों को इश्तियाल दिलवाने का, इसका मकसद कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमने आज तक कोई भी कानून के खिलाफ चीज अपने 26 साल में नहीं की, हमने कोई गैर कानूनी चीज नहीं की, हमने आईन के दायरे में रहते हुए अपना जो जमहूरी हक था उसको इस्तेमाल किया। हमने जब 25 मई को निकले, वो पुरमन मार्च थी, 3 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्चेस की, पूछे कभी रोका इनको, कोई इनके ऊपर अटैक हुआ, टेयर गैस शेलिंग हुई, FIRs काटी। हमारी 25 मार्च को जो किया वो तारीख का हिस्सा है, जो जुल्म किया इन्होंने हमारे पे। मैं अगर वो अगले दिन मार्च को चलने देता, खून खराबा होना था, मैंने कैंसिल की। 26 नवंबर लाखों लोग इस पिंडी में थे, वो मैं अगर चाहता अगले दिन तो हमने इस्लामाबाद वॉक करनी थी। जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था मुझे पता चल गया कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, इन्होंने इतनी पुलिस बुलाई हुई थी कि ये खून खराबा चाहते हैं, हमने वो कैंसिल कर दी। आज फिर मैं कैंसिल कर रहा हूं, लेकिन मेरे 2-3 सवाल अब इसके बाद हैं। मैं कैंसिल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इनका मकसद क्या है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की इलेक्शन ना हो, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया,
केयरटेकर गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया, गवर्नर्स को इस्तेमाल किया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया किसी ना किसी तरह, जो 90 दिन के अंदर जब हमने असेंबलीज अपनी डिसॉल्व की थी केपी की और पंजाब की, 90 दिन में इलेक्शन होना था। इन्होंने जब पूरी कोशिश फेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने डेट दे दी 30 अप्रैल की, अब भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का इलेक्शन किसी तरह ना हो। और ये एक पहला कदम था कि हमें इश्तियाल देना, हमें पुरमन रैली कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह लड़ाई हो, खून खराबा हो, उसको इस्तेमाल करें और केसेस कर दें इमरान खान के ऊपर। आगे 100 के करीब तो पहुंच ही गया हूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भी बहाना मिल जाए इलेक्शन से निकलने का, यह है सारा मकसद। तो इसलिए मैं अपने कारकुनों को कहना चाह रहा हूं कि हमने कोई इनको मौका नहीं देना। लेकिन इससे बड़ा सवाल अब आ गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानी, अगर सुप्रीम कोर्ट को ओपनली डिफाई करना है, जो कि केपी के अंदर वो गवर्नर कर रहा है, उसने डेट ही नहीं दी, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट की वो भी बात नहीं मानेगा, इनके वजीर बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इलेक्शन का माहौल नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी बहाने मार रहे हैं, तो ये भी अगर नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात और ये कोई बहाना मार के किसी तरह इलेक्शन से निकलेंगे, तो जो सब उससे बड़ा सवाल है आज, क्या इस मुल्क के अंदर कोई आईन है? क्या ये हमारा मुल्क किसी कानून के मुताबिक चल रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने और आईन के ऊपर नहीं चलना, तो मुल्क में तो जंगल का कानून बन गया है तो सही, हम तो देख रहे हैं जो हमारे से हुआ है, जो हमें जिस तरह इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर जो इन्होंने जेलों के अंदर किया है, जो इन्होंने उठाए हैं, जो जो केसेस किए हैं, जो सबके ऊपर आज भी लोगों को पकड़ के ले गए हैं, पता नहीं कितने 100 हमारे कारकुनों को पकड़ के ले गए हैं किस वजह से। तो अगर पहले ही मुल्क के अंदर इन्होंने बारबरियत कायम की हुई है, इन्होंने हमारे राइट्स खत्म कर दिए हैं, बुनियादी हकूक हमारे शहरियों के खत्म कर दिए हैं, पहले साजिश के तहत एक जमहूरी गवर्नमेंट को गिरा दिया है, चोरों को ऊपर बैठा दिया है, उन्होंने अपने 100 अरब रुपए 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी माफ करवा ली है, जो कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है। दंदराते फिर रहे हैं, बड़े बड़े डाकू फिर रहे हैं, उन डाकुओं को ऊपर बैठा दिया, मुजरिमों को, क्रिमिनल्स को, कातलों को जमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं, मनी लॉन्डरर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वॉर्न करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे, सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए, इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमैट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का, उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत CIA ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा। तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई, तारीख में महंगाई में, इस मुल्क के 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन बर दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है। अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है। तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया है अवाम में, ये जा नहीं सकते। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जलसे जुलूस के बगैर ही इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना,
और इलेक्शन से निकलने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी आज मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है, उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। अगर लीगल कम्युनिटी आज नहीं खड़ी होगी, यहां जंगल का कानून आ जाएगा, तकरीबन आ गया है, ये आ जाएगा या जंगल का कानून। मैं सारे अपने वकला को कह रहा हूं आप मुखालिफ ग्रुप्स में हैं, बिस्मिल्लाह अपने ग्रुप्स की पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस पॉइंट पर सब इकट्ठे हो। जिस तरह आपने वकला ने वो जो चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में शिरकत, जो आपने एक तारीखी मूवमेंट चलाई थी, ये वो वक्त आ गया आपकी मूवमेंट चलाने का। और इसलिए मैं आपको भी अपील कर रहा हूं और मैं फिर से अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो। ये तारीख सब देख रही है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। इस वक्त कोई ऐसी चीज ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आईन, हमारा रूल ऑफ लॉ कमजोर हो। और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, देखें महजब माशरे में और एक वो माशरा जिधर गुर्बत होती है, तबाही होती है, जो फेल्ड नेशंस जिन्हों कहते हैं, जो जिधर लोग किश्तियों में भाग भाग के दूसरे अमीर मुल्कों में जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं समुद्रों में, जिसमें हमारे भी पाकिस्तानी अभी पहुंचते पहुंचते इटली कितने पाकिस्तानी हमारे डूब, जिसमें हमारी एक हॉकी प्लेयर भी डूब गई, वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है ये जंगल का कानून। किसी कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस और लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दे। आज वुमेन्स डे, आज औरतों का दिन है, औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन जिसके अंदर जहरीली चीज थी, वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात है उनके, कोई दुनिया में ऐसे नहीं करता। सो आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं, आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा, और जमहूरियत की हिफाजत का क्या मतलब है? आपकी आजादी की हिफाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब होता है आजाद लोग। आजाद तब होते हैं जब वहां कानून होता है, हुक्मरानी होती है कानून की, आइन की, जो आपकी जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंसान के बुनियादी हकूक की, जब आपकी इंसाफ का निजाम हिफाजत करता है, आपको आजाद कर देता है और सिर्फ आजाद कौमें ऊपर जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है आपकी आजादी पर, ये जो हो रहा है, ये जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये इन चोरों को ऊपर मुसलत करके और ये केयरटेकर गवर्नमेंट को लंबा करने का और कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप का, ये तो आज हालात जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से बहुत, मैं जेल में गया था वो इससे बहुत बेहतर था, ये तो उससे भी आगे निकल गए हैं, ऐसी तो कभी हालात थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पर खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना, जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आजादी की हिफाजत करना, और यह होती है हकीकी आजादी। तो आपको सबको तैयार होना चाहिए, यह जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है अपने हकूक और अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, वही फिर आजादी छीनती है, नहीं तो वो अगर इस तरह के जुल्म के सामने झुक जाए तो वो गुलाम बन जाती है। और जो हां बदकिस्मती से हम इस वक्त आजाद कौम नहीं है, तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतजार में शिरकत ना करें ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का। पाकिस्तान पाइंदाबाद।